नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी में और मैं मानस रंजन दास। क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं? अगर हाँ तो आपके लिए एक बुरी खबर है। बुढ़ापे में आपको मिलते पेंशन अब ना मिलने के बराबर होगा। रामलीला मैदान में इसके विरुद्ध एक बड़ा जनसैलाब 26/11 को पहुंचा, मगर उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर दिया गया। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों की सुनना, मगर सरकार और मीडिया लोगों को तब चुनता है जब उनको उसकी जरूरत होती है, मगर जब लोगों को उनकी जरूरत होती है तब वो उनको नहीं सुनता। कल वहां पर ना कोई मेनस्ट्रीम मीडिया था, ना कोई सरकार का नुमाइंदा। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि 30 अप्रैल को भी हमारा यहाँ पे एक विशाल धरना हुआ था, और आज के धरने में जितने भी मीडिया को ये कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन आज बड़े मीडिया हाउसेज जो भी हैं वो सरकार के हाथों इस कदर बिक चुके हैं कि वो आज हमें 3 लाख की जनता उन्हें नहीं दिखाई देती है। यदि वाजपेयी जी अभी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की खरीद कर बुलाई गई भीड़ होती तो उसके लिए कवर करने के लिए एनडीटीवी को मैं रवीश जी को भी धन्यवाद देता हूँ, वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं। आज तक एबीवीपी सारे न्यूज चैनल यहाँ लाइन लगा के खड़े होते, लेकिन यदि आप अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहते हैं और भारत में लोकतंत्र जिंदा रखना चाहते हैं तो आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करें और सरकार तक हमारी मांग को पहुंचाएं। कोई नेता विधान पार्षद होता है, अगर वही नेता विधानसभा का चुनाव जीत जाए, फिर वही नेता सांसद बन जाए, उसे तीनों जगह से पेंशन मिलती है। किसी को तीन तीन जगह से पेंशन मिले और किसी को कहीं से नहीं मिले, इस पर बात क्यों नहीं की जा रही है? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सांसद लोग होते हैं अपनी पेंशन ले लेते हैं, लेकिन हम लोगों की जो पेंशन है वो बंद कर दी उन्होंने, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी पेंशन तुरंत बहाल की जाए। अलग अलग सरकारी महकमों में काम करने वाले ये कर्मचारी इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली आए, आज यही बड़ी स्टोरी होनी चाहिए थी, मगर कोई भी मेनस्ट्रीम मीडिया वहाँ पर नहीं आया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये लोग न्यू पेंशन को विरोध करने पहुँचे, जो कि 1 जनवरी 2004 को लागू किया गया था। भारत में इसको दरी के नीचे छुपा दिया जा रहा है। मीडिया के बिना भी ये लोग जमा हो रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं। इतने लोग जमा हुए मगर किसी को पता नहीं चलने दिया गया। सोचिए लोकतंत्र कितने खतरे में है। देखिए, आज जो हिंदुस्तान के कर्मचारी यहाँ पे आए हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उनकी सिर्फ एक ही मांग है, पुरानी पेंशन को बहाल करो। ये जो पुरानी पेंशन है 2004 में बंद कर दी गई थी, आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में एक ही आवाज है कि इसको बहाल करो। ये जो एनपीएस है ये एक नो पेंशन स्कीम है जो शेयर मार्केट को सौंप दी गई है, जिसका कोई जायजा नहीं है किसी भी अधिकारी को, पदाधिकारी को, सरकार को। तो आज के दिन जो एनपीएस पीड़ित कर्मचारी हैं पूरे हिंदुस्तान के, वो 60 लाख कर्मचारी हैं, और जो रिटायर हो चुके हैं, जो इसकी सजा भुगत रहे हैं, वो पूरे देश के 10,000 कर्मचारी हैं। तो आज ये जितने साथी आए हैं यहाँ पे, जो जन सैलाब आया है, वो अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक ही बात चेताने के लिए आया है कि या तो पुरानी पेंशन बहाल करो, नहीं तो जन सैलाब आएगा और एक नए इतिहास का आगाज होगा। एनपीएस में कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, इसमें बेसिक सैलरी का 10% कर्मचारी और 10% सरकार देगी, और ये पैसा शेयर बाजार में निवेश किया जाएगा। रिटायर होने पर जमा राशि का 60% कर्मचारी को दे दिया जाएगा, और 40% का जो ब्याज होगा उसे आपको पेंशन मिलेगा। शेयर बाजार के दाम से पता चलेगा रिटायरमेंट के समय आपकी कुल जमा राशि कितनी होगी। ये तो हंसी वाली बात हो गई। इसमें ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं और ये डूब भी सकती है। पुरानी पेंशन स्कीम में बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। एनपीएस में फैमिली पेंशन की कोई जिक्र ही नहीं है। अगर कर्मचारी की मौत हो गई, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, जबकि पुराने पेंशन में आश्रित को पेंशन मिलेगा। बड़े खबरों के लिए बने रहिए एनबीसी हिंदी के साथ, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। एनबीसी के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।